मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी कड़ी में अशोकनगर के कई हिस्से भी जलमग्न हो गए हैं। वहीं जिला शिक्षा केंद्र के ठीक पीछे स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय स्कूल का तालाब ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। अशोकनगर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 का परिसर इस समय तालाब बना हुआ है। इस कारण बच्चे काफी कम संख्या में स्कूल पहुंच पा रहे हैं। इसी विद्यालय के अतिरिक्त कक्षों में संचालित होने वाले अनुसूचित जाति छात्रावास में भी छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि रक्षाबंधन के अवकाश के बाद छात्रों को छात्रावास में छोड़ने के लिए आने वाले छात्रों के अभिभावक स्कूल की ऐसी हालत देखकर परिसर से ही वापस ले जाने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आज ही आए थे छोड़ने, पानी भरा है इसलिए पूरे अंदर हो, अंदर पूरे परिसर में पानी भरा है, पूरे जा ही नहीं पा रहे हैं। और कमरों ममरों में क्या हाल क्या है? अच्छा, आप उधर जा ही नहीं पाए? क्या नाम है भैया बच्चे का? मेरा नाम कौन सी क्लास पढ़ता है राज? कहाँ से आए थे आप? कौन सी क्लास? वापस जा रहे हो? अभी कोई और बच्चे रह रहे हैं कैसे? पता नहीं सर। जिला मुख्यालय पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस कारण पछाड़ी खेड़ा तालाब के पास स्थित क्रमांक 2 स्कूल में घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। स्टाफ तो जैसे तैसे स्कूल पहुंच रहा है, पर छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके मद्देनजर अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। शासकीय स्कूल में करीब 800 बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।